हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने मैट्रिसेस की डेफिनेशन की थी, मैट्रिसेस को डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम लोगों ने ये सीखा था। सो टुडे वी विल डिस्कस कि देर आर सम ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। दैट मींस ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस का मीनिंग है कि हम मैट्रिसेस को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। सो इसका जो फर्स्ट ऑपरेशन है दैट इज़ एडिशन, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। मैं आपको दो मैट्रिक्स के एडिशन सिखा रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं आप दो की कर सकते हो, आप तीन की भी कर सकते हो। तो पहले है कि एडिशन करनी कैसे है। एडिशन करने के लिए हमें सबसे पहले दो मैट्रिक्स चाहिए, ए एंड बी। जैसे कि आपको ए लिख लिया ए आई जे और बी लिख लिया बी आई जे। जब भी आपने किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करना हो तो उनके सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उनके जो ऑर्डर है वो सेम होने चाहिए। जैसे इसका ऑर्डर भी m क्रॉस n है और इसका ऑर्डर भी m क्रॉस n है। ये ना हो कि फर्स्ट वाले का ऑर्डर m क्रॉस n हो और दूसरे वाले का ऑर्डर n क्रॉस p हो, तो हम लोग दो मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते। तो जस्ट वन एंड ओनली वन कंडीशन है एडिशन की कि उनका जो ऑर्डर है मैट्रिसेस का वो सेम होना चाहिए। एंड सेम इज कंडीशन फॉर सेकेंड ऑपरेशन, दैट इज सब्ट्रैक्शन। जब हम किसी दो मैट्रिसेस को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तब भी उनका जो ऑर्डर है वो सेम रहना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज मैंने आपको एक ए मैट्रिक्स लिख दिया 1 0 2 3 एंड मैंने आपको बी मैट्रिक्स लिख दिया 2 4 -1 एंड 2। मैंने आपके सामने दो मैट्रिक्स लिखे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या हैं। As we all know, A matrix का order है, order क्या होता है, number of rows multiply number of columns। तो A का order है 2 cross 2, because इसमें number of rows भी दो है और columns भी दो है। Similarly, B matrix का order भी 2 cross 2 है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं दोनों matrix के order same है, so हम इन दोनों को आराम से add कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि दोनों को add करो तो A plus B, आपको पता है, obvious ही बात है, mutual understanding है ये कि इसमें first एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट ऐड करेंगे, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड एंड फोर्थ में फोर्थ। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 1 है और यहाँ पे 2 है, दोनों को ऐड किया, इसका आंसर 3 आएगा। यहाँ पे 0 + 4 = 4, 2 + −1 = 1 एंड 3 + 2 दैट इज 5। तो ओवरऑल जो हमारा सॉल्व करके आया दैट इज 3 1 4 एंड 5। दिस इज ऑल्सो 2 cross 2 ऑर्डर। तो दिस इज़ अ एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूँ कि दो मैट्रिक्स को माइनस करना है, तो उसके लिए भी सेम कंडीशन कि ऑर्डर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। इन दोनों मैट्रिक्स को अगर मैं आपको बोलूँ कि सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, यस यू कैन। जैसे कि 1 - 2 - 1, 0 - 4 - 4, 2 - −1 = 2 + 1 दैट मीन्स 3 एंड 3 - 2 = 1, दिस इज ऑल्सो 2 cross 2। तो आप इजीली दो मैट्रिक्स को अगर मैं आपको बोल दूँ एक और मैट्रिक्स सी दे दिया, उसको ऐड करो a + b + c, तो नॉर्मल पहले a प्लस बी ऐड करो देन प्लस सी करो। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन भी। तो किसी भी मैट्रिसेस की जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी हो तो जस्ट हेयर इज़ ओनली वन कंडीशन कि उन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्योंकि ऐसे ना हो कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 cross 2 हो और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 cross 3, तो हम लोग ऐड ही नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें हमारा थर्ड कॉलम नहीं है, इसमें हमारा थर्ड कॉलम होएगा बाय चांस। जैसे सपोज मैं आपको बोलूं कि इसका ऑर्डर है 1 2 इसका ए मैट्रिक्स है 1 2 और बी मैट्रिक्स में आपको दे दूं 1 2 0 4, इसका ऑर्डर 2 cross 2, इसका ऑर्डर नंबर ऑफ रोज 2 × नंबर ऑफ कॉलम्स 1। आप इन दोनों को ऐड कर ही नहीं सकते, ऐड छोड़ो आप इनको सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम ही नहीं है। चलो इसको और इसके साथ ऐड कर दोगे 2 को 2 के साथ, 0 और 4 में क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे? वी कांट। सो जब भी किसी दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम लोग उनको ना ऐड कर सकते हैं और ना हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गए आराम से आपके दो ऑपरेशन मैट्रिसेस के, एडिशन वाला और सब्ट्रैक्शन वाला। जो तीसरा आपका मैट्रिक्स है, ऑपरेशन है, वो है मल्टीप्लिकेशन। किसी भी दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? देखो, जो चीज़ हम लोग सेम
नंबर्स में करते हैं, जैसे आपके पास मैथमेटिक्स में सब नंबर्स होते हैं, आप उनको ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, सेम यही काम मैट्रिसेस में चलता है। मैट्रिसेस के ऊपर भी ऑपरेशन लगते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने सीख लिया, अब हम लोग थर्ड की बात करेंगे, वो है आपका मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन करनी होगी तो उसमें भी कोई ना कोई कंडीशन होगी। हम लोग सबसे पहले अपने से दो मैट्रिसेस लेट करते हैं, तो आप लेट करो पहला मैट्रिक्स है ए, जैसे कि आपने लिख लिया ए आई जे, ये मैं अपने से लेती हूँ, कुछ भी आप कुछ भी ले सकते हो, डजेंट मीन हमेशा ए आई जे लेना है, आप सी आई जे ले लो, आप बी आई जे ले लो, कुछ भी। और आई जे आपको पता है यहाँ पे क्या डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। सपोज इसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, जब भी कोई मैट्रिक्स लिखो साथ में उसका ऑर्डर जरूर लिखो, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखा था कि जो मैट्रिक्स की आइडेंटिटी होती है वो उसके ऑर्डर से ही होती है, तो ऑर्डर लिखना इज़ नेसेसरी, क्लियर। सिमिलरली मैं एक और मैट्रिक्स लिख लेती हूँ बी, बी आई जे, उसका ऑर्डर एन क्रॉस पी, ये मैंने एन क्रॉस पी क्यों लिया है इसका मैं रीज़न आपको बताती हूँ दो मिनट में। तो जैसे कि हम लोगों ने एक मैट्रिक्स ले लिया ए एम क्रॉस एन एंड बी एन क्रॉस पी, जब भी आप दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हो दैट मीन्स आप क्या चाहते हो ए बी, दैट इज़ मल्टीप्लाई ना, तो इनकी मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो हेयर इज़ वन कंडीशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज ओनली पॉसिबल इफ़ यहाँ मैं कंडीशन लिख लूँ, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स। यहाँ पर मैंने दो चीज़ें लिखी हैं, जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसकी आप नोटिस करो नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज़ एन, फिर कहता बी वाले मैट्रिक्स की नोटिस करो नंबर ऑफ रोज दैट इज़ एन, वो क्या होने चाहिए इक्वल। तो किसी भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तभी होती है जब इस मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे वाले के रोज क्या होने चाहिए इक्वल, तभी हम लोग उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यही मेरा रीज़न था, इसीलिए मैंने यहाँ पे एन और यहाँ पे भी एन रखा, क्लियर है जी। तो अब हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ईजिली कर सकते हैं, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे जो ऑलमोस्ट जो भी आएगा उसका ऑर्डर होगा एम क्रॉस पी, क्योंकि ये तो दोनों चीज़ें सेम होगी तो ये हो गया एम क्रॉस पी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ कि मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है जो भी है 2x3 का है एंड बी मैट्रिक्स है 3x4 का, दो मैट्रिक्स है, वो आपको बोलेगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल हो सकती है अगर पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रो इक्वल हो। तो ठीक है, हम नोटिस करते हैं पहले वाले के कॉलम 3, दूसरे वाले के रो 3, तो ये इक्वल हो गए एक तरह से। अब इनकी आराम से हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जो भी मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आएगा वो कौन से ऑर्डर का आएगा 2x4, मतलब एक तरह से आपने क्या करना है, एक तरह से कैंसिल करना नहीं है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो बचा क्या 2 एंड 4। तो जो भी मल्टीप्लिकेशन में करनी है आपको बाद में सिखाऊंगी, आप सिर्फ अभी रूल सीखो कि किसी भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आप कब कर सकते हो, व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स लाइक दिस। सो हेयर द मल्टीप्लिकेशन जब करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा उसका ऑर्डर ये होएगा। अगर आप यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करो तो जो भी आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा एम एंड क्रॉस पी, एम क्रॉस पी, क्योंकि एन एन तो सेम है, क्लियर है जी। तो ये आपके हो गए तीन ऑपरेशन मैट्रिसेस के, तो अभी के लिए फ़िलहाल सिर्फ इतना ही, आप ये तीन ऑपरेशन सीखो, उसके बाद मैं आपको जो भी नेक्स्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, क्लियर जी। थैंक यू सो मच।